बिहार कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह एक बार फिर कैबिनेट विस्तार की मांग को उठाते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि बिहार के सीएम मुख्यमंत्री से वो बात करेंगे कि बिहार की हित में जल्द ही कैबिनेट का विस्तार किया जाए। हमारा सवाल ये कि आखिर कैबिनेट का विस्तार क्यों नहीं हो रहा, कैबिनेट के विस्तार में इतना समय क्यों लग रहा है। जुड़ चुके हैं हमारे साथ वरिष्ठ सहयोगी आशुतोष मिश्रा सर। एक बार फिर से कांग्रेस अध्यक्ष जो है मांग उठाते हुए नजर आ रहे हैं कि कैबिनेट का विस्तार होना चाहिए और वो कह रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री से बातचीत करेंगे। सर क्या जानकारी है? बिल्कुल, ये विस्तार की मांग बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह इनफैक्ट काफी पहले से करते आ रहे हैं। जी मुझे लगता है कि 3 से 4 महीने जब से वो प्रदेश अध्यक्ष की कमान संभाले हैं तब से लगातार उनकी प्रायोरिटी लिस्ट में ये बातें रही है कि कैबिनेट विस्तार कराना है और 2 मंत्रियों का पद कांग्रेस कोटे से दिलाना है। जी इसके बारे में जब भी उनसे सवाल किया जाता है तब उनका यही जवाब होता है कि जल्द से जल्द विस्तार होगा और मेरी बात हो चुकी है नीतीश कुमार से। जी मुझे लगता है कि लास्ट टाइम जब नीतीश कुमार यात्रा पर थे तभी अखिलेश प्रसाद सिंह ने उनसे बात की थी और कहा था कि यात्रा के बाद नीतीश कुमार ने आश्वासन दिया है कि यात्रा के बाद वो लौटेंगे तो कैबिनेट का विस्तार होगा, लेकिन उस यात्रा के भी कई महीने गुजर चुके हैं। इस बीच में कई बार कैबिनेट विस्तार की अटकले लगी, चर्चा शुरू हुई, लेकिन हर बार टल गया। मतलब कुछ न कुछ रीजन सामने आया और मसला टलता चला गया। 23 जून को जब पहली बार विपक्षी दलों की बैठक हुई थी तब राहुल गांधी भी आए थे। उस समय भी अखिलेश प्रसाद सिंह के कहने पर राहुल गांधी ने नीतीश कुमार से कैबिनेट विस्तार के बारे में पूछा था कि कैबिनेट विस्तार कब होगा, कांग्रेस कोटे के मंत्री बनाए जाने हैं तो वो कब होगा। तब उन्होंने कहा था कि आश्वासन दिया था कि जल्द से जल्द हो जाएगा, लालू की तरफ इशारा करते हुए। जी उस समय एक या दो कितना मंत्री बना दे ऐसी बातें हुई थी, तब अखिलेश प्रसाद जी ने कहा था कि 2 मंत्री बनाए जाने हैं। कांग्रेस का दावा शुरू से 2 मंत्री का रहा है, चूंकि उसके जो विधायक की संख्या है मतलब जितनी हिस्सेदारी है उतनी भागीदारी वो चाह रहे हैं। उसी तरीके से आरजेडी के भी 2 मंत्रियों का पद खाली है। सरकार जब बनी थी उसके कुछ महीने बाद ही पहले सुधाकर सिंह और कार्तिक कार्तिक कुमार सिंह दोनों का इस्तीफा हुआ। कानून मंत्री खुद कानून के चक्कर में पड़ गए इस वजह से और जी सुधाकर सिंह अपने बरबोलेपन की वजह से उनको इस्तीफे के लिए मजबूर होना पड़ा। तो कांग्रेस कोटे से ही मंत्री नहीं बनाया जाना है बल्कि आरजेडी कोटे से भी मंत्री का पद खाली है, जी लेकिन हर बार ये चलता जा रहा है। सवाल जरूर उठता है निशा कि आखिर क्यों हो रहा है। तो हमारी जो जानकारी है उसके मुताबिक 2 मंत्री आरजेडी कोटे से बनाए जाने हैं और 2 मंत्री कांग्रेस कोटे से बनाए जाने हैं, तो जी इसके लिए दावेदार बहुत सारे हैं। सर हालांकि कांग्रेस के जो नेता हैं वो उनका काम है शॉर्टलिस्ट करके भेजना सरकार को, नीतीश कुमार को, क्योंकि मुख्यमंत्री का अधिकार क्षेत्र होता है। लेकिन आरजेडी में इस बात को लेकर सहमति नहीं बन पा रही कि किसे मंत्री बनाया जाए, क्योंकि बहुत लोग चाह रहे हैं, बहुत विधायक चाह रहे हैं कि मंत्री बने। जैसे नीलम देवी भी चाह रही है कि कार्तिक कुमार सिंह नहीं बने, क्योंकि अनंत सिंह के बेहद करीबी थे, इसी वजह से भूमिहार कोटे से उनको मंत्री बनाया गया था। तो जी अब नीलम देवी का दावा बनता है तो वहां पर पेच फंसा हुआ है। सुधाकर सिंह के बदले में कई राजपूत नेता हैं आरजेडी में, वो चाहते हैं कि मंत्री बनाए जाएं। लेकिन तेजस्वी यादव या लालू यादव इस माथापच्ची में फिलहाल पड़ने की स्थिति में नहीं है या पड़ना नहीं चाहते हैं। सर जी बिल्कुल, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगी कि जिस तरीके से 23 जून को जो बैठक हुई थी उसमें आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने भी ये बात छेड़ी थी कि मंत्रिमंडल का विस्तार कब होगा। फिर जब नीतीश कुमार से भी ये बातें पूछा गया था तो उन्होंने तेजस्वी यादव की ओर इशारा किया था। हालांकि नीतीश कुमार अभी तक इस पर कुछ बोलते हुए नजर नहीं आ रहे कि कब तक आखिर मंत्रिमंडल का विस्तार हो पाएगा। नहीं, 23 जून को जो बैठक हुई थी उसमें तो राहुल गांधी ने पूछा था जी लास्ट टाइम पत्रकारों से, पत्रकारों ने नीतीश कुमार से सवाल पूछा था कि आखिर कैबिनेट जी विस्तार कब हो रहा है। तब उन्होंने कहा था कि अब कितना कैबिनेट विस्तार होगा, मंत्री तो इतने सारे हैं ही, सब जी काम हो ही रहा है। वैसे इस जी बारे में तेजस्वी यादव की तरफ इशारा करके बोल दिया था, मतलब उनको मंत्रिमंडल विस्तार में बहुत ज्यादा रुचि
दिख नहीं रही है, दिलचस्पी दिख नहीं रही है। लास्ट टाइम में संतोष सुमन ने हमसे, चूंकि महागठबंधन से हम अलग हुआ था, तो संतोष सुमन की जगह पर रत्नेश सदा को मंत्री आनन फानन बनाया गया था। तब भी ये चर्चा शुरू हुई थी कि शायद इसी के साथ कांग्रेस और आरजेडी कोटे के मंत्री भी बनाए जाएंगे। उस समय तो इनफैक्ट कई विधायकों का नाम भी चलने लगा था कि ये लोग मंत्री बनाए जा सकते हैं, ये लोग शॉर्टलिस्ट हुए हैं, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी, उस बार भी नतीजा सिफर रहा। फिलहाल तो महागठबंधन में जो स्थिति है या प्रेशर पॉलिटिक्स जो चल रहा है, या आई इंडिया अलायंस में, उसको लेकर ये कम ही लगता है कि फिलहाल कम ही गुंजाइश लगती है कि फिलहाल कोई कैबिनेट का विस्तार हो। चूंकि एक तरफ राजपूत ब्राह्मण विवाद चल रहा है, उसके बाद नीतीश के एनडीए में जाने की चर्चा को लेकर सारी बातें चल रही है, पीएम बनाए जाने की मांग होने लगी है शुरू, तेजस्वी की ताजपोशी की बात सामने आ रही है, संयोजक नहीं बनाया गया नीतीश कुमार, उसको लेकर कहा जा रहा है कि वो नाराज हैं, तो तमाम तरह की दिक्कतें चल रही है। इंडिया अलायंस में सीट शेयरिंग को लेकर मसला नहीं सुलझ पा रहा है। ऐसी सूरत में एक नई, मतलब इसको पनौती शब्द से भी कहा जाए तो सटीक बैठेगा, कि नई मुसीबत नहीं मोल लेना चाहते हैं, क्योंकि मंत्री पद सब कोई चाहता है, सारे विधायक चाहते हैं कि वो मंत्री बने। जी कांग्रेस में भी वही स्थिति है, आरजेडी में भी वही स्थिति है। ऐसे में किसी दो को बनाया जाता है तो बाकी लोग की नाराजगी झेलनी पड़ सकती है। ऐसे में चुनावी मौसम चल रहा है, चुनाव करीब आने वाला है, वैसे में आरजेडी की तरफ से ये जोखिम नहीं लिया जाना चाह रहा है, नहीं लेना चाह रहे हैं लालू यादव या तेजस्वी यादव। और जब आरजेडी कोटे से मंत्री नहीं बनाए जाने की बात सामने आ रही है, तो फिर कांग्रेस से क्यों बनाया जाए? इसीलिए टाल मटोल का रवैया अपनाया जा रहा है। तेजस्वी यादव से भी जब कभी पूछा गया तो उन्होंने बहुत ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई इसमें। नीतीश कुमार की भी वही है, हालांकि लगातार अखिलेश प्रसाद सिंह मांग कर रहे हैं, अब तो राहुल गांधी जो कि कांग्रेस के सबसे बड़े नेता में से थे सोनिया गांधी के बाद, उन्होंने खुद नीतीश कुमार से कहा था, फिर भी जब मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ या कांग्रेस कोटे से नहीं मंत्री बनाए गए, तब तो मुझे नहीं लगता है कि आने वाले दिनों में, फिलहाल 2024 से लोकसभा चुनाव तक, कुछ ऐसी बातें बनेगी। हो सकता है कि इसमें भी कुछ रीजन हो, कुछ स्ट्रेटेजिकल मूव हो, कि कुछ चाह रहे हो ये लोग जो कांग्रेस से, और कांग्रेस नहीं कर पा रही हो, इसी वजह से यहाँ पर भी मामला लटकाया जा रहा हो। तो बहुत तरह की बात होती है पॉलिटिक्स में, जो कि इशारों इशारों में समझा जाता है। फिलहाल ये मांग अखिलेश प्रसाद सिंह की ओर से चलती रहेगी, लेकिन जो मेरी जानकारी है, मेरा जो अनुभव है, अभी ये मांग पूरी नहीं होने जा रही है, कैबिनेट विस्तार बिहार में नहीं होने जा रहा है। निशा जी बिल्कुल सर, ये देखने वाली बात हो गई अखिलेश प्रसाद सिंह की, ये जो मांग है उनको गंभीरता से लिया जाता है कि नहीं, कैबिनेट का विस्तार कब तक हो पाता है या फिर नीतीश कुमार क्या कुछ कहते हैं, ये भी देखना दिलचस्प होगा। बाकी सर सारी जानकारी के लिए धन्यवाद।